हेलो एवरीवन वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया इस्लामी में एंट्रेंस एग्जाम दिए चाहे वो किसी भी कोर्स में हो इस वीडियो में जामिया इस्लामी के स्कोर कार्ड के बारे में बात करेंगे सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है सर्च कर लेना है जे एम आई सी हुई जैसे जब सर्च करेंगे तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड पे आपको जामिया इस्लामी का ऑफिशियल वेबसाइट दिख जाएगा आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है इस पर जैसे जब क्लिक करेंगे इस तरीके का आइकन दिखेगा अभी जैसे हो ये रहा है कि जहां ने ऑलमोस्ट ज़्यादातर कोर्सेज़ का रिजल्ट पब्लिश कर दिए हैं लेकिन इसमें इन सब में इंपॉर्टेंट ये है कि आ, किसी भी स्टूडेंट्स को अभी तक ये नहीं सही से पता चल पाया कि उनका एक्चुअल मार्क्स कितना है लेकिन हाँ ये है कि जब आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया था तो आपको एक कार्बन कॉपी भी मिला था और वो जो कार्बन कॉपी था आपने कितने सही करा है उसमें वो ओ एमआरसी टाइप का था जैसे ओ एम आर सीट का जीरोक्स था यू समझिएगा कार्बन पेस टाइप का था और लगभग सारे स्टूडेंट्स को मिला था मतलब जो भी स्टूडेंट्स एंट्रेंस एंट्रेंस एग्जाम दिए उन सभी को मिला है तो एक तो ये था कि उसके थ्रू आपने चेक किया भी होगा अगर आप नहीं चेक किए तो कहने के आपने गलती किया है लेकिन यह कि जो स्टूडेंट्स चेक कर लिए थे उनको भी पता चले गया था कि हमारा मार्क्स कितना रहा है लेकिन नॉर्मली ये होता था कि जामे का अगर स्कोर कार्ड चेक करना है तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा आप जैसे जिस भी लिंक से आपने फॉर्म अप्लाई आप किया एक तो वो वरना ये कि आप सिंपली जैसे स्कूल वाले स्टूडेंट्स हैं अगर वो अपना स्कोर कार्ड चेक करना चाहते हैं तो इस वाले लिंक पर क्लिक करेंगे और अगर यू वाले लिंक पर अगर वो अपने फॉर्म फिल किएँ तो वो इस लिंक से भी कर सकते हैं वरना दूसरा जो वेबसाइट है यहाँ पर मतलब ये यहाँ पर ये जो वेबसाइट है तो आप इससे भी चेक कर सकते हैं बट ये कि अभी जो है आप फिलहाल आपका जो है आंसर की सॉरी स्कोर कार्ड जो भी आया नहीं है आपको सिंपली साइन इन करना है जैसे जब साइन इन करेंगे यहाँ पर आप नई मिला पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालकर अगर आप लॉगिन करेंगे तो इस तरीके का आपका आइकन दिखेगा आपको ये देख देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म प्रीव्यू फॉर्म एग्जाम एडमिट कार्ड लेकिन ये कि जैसे जब स्कोर कार्ड आया रहेगा तो आपको इस वाले जस्ट बगल वाले सेक्शन में आपका स्कोर कार्ड दिखेगा अभी आया नहीं है लेकिन कभी भी आ सकता है जिस तरीके से आप अगर इनके प्रोस्पेक्ट्स देखेंगे तो प्रोस्पेक्टर्स में बताएगा कि हाँ भाई सारे स्टूडेंट्स का स्कोर कार्ड भी रिलीज किया जाएगा लेकिन ये कोई फिक्स नहीं कि कभी भी आ सकता है या आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है दोनों चीज़ यहाँ पे स्कोर कार्ड को लेकर क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं तो इसलिए मैंने बताया कि हाँ पे स्कोर कार्ड अगर आएगा तो कहाँ दिखेगा वो तो आपको बता दिया और अगर आना होगा तो आपको कभी भी आ सकता है बस ये कि हर मतलब जब जैसे जामिया की वेबसाइट पर जाकर चेक करते हैं तो वैसे ही आप चेक कर सकते हैं इसके साथ ही अभी ये भी होगा जैसे बहुत जल्द हालांकि जामिया डायरेक्ट जो है स्टूडेंट का वो बता दे रहे हैं कि हाँ भाई आपका मतलब सेलेक्टेड लिस्ट डायरेक्ट वो दे रहे हैं जैसे अभी अगर सी यू टी की बात करें तो सी यू टी में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जो जिन्होंने जाम सी यू टी का अप्लाई किए एक तो मैं यहाँ पे सारे स्टूडेंट कहूँगा जो भी स्टूडेंट जामिया के सी यू टी कोर्स में जिस भी कोर्स में अप्लाई किए वो जरूर कमेंट करेंगे हाँ मतलब सी यू टी में भी किस कोर्स अप्लाई किया वो थोड़ा कमेंट करें उससे रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाने हैं बाकी कोई भी क्वेरी होता है कमेंट कर दीजिए और आने वाले जो भी अपडेट आता है उसको लेकर अपडेटेड आने के लिए चैनल को सब्सक्राइब